हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो यार जितने भी एमएचटी सीईटी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि भैया एक चीज़ हमें समझा दीजिए सर, एक चीज़ समझा दीजिए हमें कि हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो देखो, हम लोगों को तो एक्सपीरियंस, हमें पता है यार कि कितना टाइम लगता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग जो है यार इस चैनल पे बने हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको ये सारी नॉलेज एक्सपीरियंस वाली इसी चैनल पे मिलेगी। सबसे पहली चीज़ यार देखो, पिछले साल के हिसाब से या जितने भी सालों के हिसाब से बात करूँ तो देखो होता क्या है कि लगभग आपका जब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद विद इन वन वीक, एक वीक के बाद या 10 दिन, 7 to 10 days के बीच के अंदर आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी कि इस बार रिजल्ट कब आए? 15 तारीख को। फिर काउंसलिंग प्रोसेस कब शुरू होगा? 22 या 25 के बीच में। ठीक है, यानी कि 22 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो सकता है। ठीक है, और जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं यार, उन सभी के लिए आपके लिए बहुत सारी वीडियोस डल रही हैं, आपके लिए कॉलेजेस की लिस्ट अभी डलने वाली है कि कौन से लो परसेंटाइल पे कॉलेज मिल सकते हैं, कैसे आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है, हर एक चीज यार हो रही है चैनल पे। और हाँ, जितने बच्चों को भी यार ज्वाइन करना है पेड काउंसलिंग के अंदर, जिसके अंदर हम आपका ऑप्शन फॉर्म बनवाएंगे कि कैसे ऑप्शन फॉर्म बनाना है, कैसे कॉलेज लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करना है, हर एक चीज का जिम्मा, हर एक चीज जो होगी वो हमारे साथ आपकी हो रही होगी। आपको यार ओनली एट अ प्राइस ऑफ 999 rupees में आपको मिल जाएगा। आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देख सकते हो, इतने स्टूडेंट सारे पेड काउंसलिंग वाले ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो जल्दी से ज्वाइन करो कि अभी तो जल्दी से हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें और जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा तब आपको सारी चीज समझाई जा रही है और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के टाइम आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से ज्वाइन करो इंजीनियरिंग वाले। ठीक है ना, दूसरे बच्चे मत ज्वाइन करना, इंजीनियरिंग के लिए है, मैंने बीटेक लिख भी दिया है काउंसलिंग सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो। ठीक है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन करो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।